press the bell icon on the YouTube app and never. आपको याद होगा अनम, मैंने आपके साथ ही, आपने मुझे वो टॉपिक दिया था और मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि लंदन में और अमेरिका में कुछ पिता हैं जो एक बड़ा बड़ा बोर्ड लेकर के खड़े हुए हैं कि माय डॉटर इज नॉट हलाल मीट. याद आया आपको, माय डॉटर्स आर नॉट हलाल मीट. क्यों बोलना पड़ रहा है? क्रिश्चियंस मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, यहूदी मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, जैन मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, सिख मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं. चलो छोड़ो, ये पूरी दुनिया का सारा देश मुसलमानों को गालियां दे रहा है, वो भी छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए. सऊदी अरबिया पाकिस्तान के मुसलमानों को धक्के मार कर निकाल रहा है. अब तो भारत के मुसलमानों पर भी आपत्ति मुझे लग रहा है कि आ रही है, क्योंकि सऊदी अरबिया कहीं ना कहीं इस बात को टटोल रहा है कि भारत के मुसलमान भी अरब में जाकर के, मक्का मदीना में जाकर के बेजा और अश्लील हरकतें करने लगे हैं. भारत के मुसलमानों की मानसिकता आज भी पाकिस्तान जैसी ही है. आज भी भारत के मुसलमान संविधानिक नहीं हो पाए हैं. आज भी भारत के मुसलमान भारत की सभ्यता और संस्कार और संस्कृति को सीखना नहीं चाहते. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज के लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. आखिर ऐसी वजह क्या है? आज बहुत चीजें वायरल हो रही है मेरे बारे में. भारत के तेलंगाना में मेरे लिए प्रदर्शन हो रहा है, लोग मेरे लिए ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर कि नाजिया को बॉयकॉट करो, वो गुस्ताख रसूल करती है. भाई मैं तो गुस्ताख रसूल नहीं करती हूँ, और अगर शरिया से लड़ना है तो भी मैं तैयार हूँ, और संविधान से लड़ना है तो भी मैं तैयार हूँ. मैं हिजाब पहन करके घर में बैठने वालों में से कतई नहीं हूँ. मैं खुले आम आज भी घूम रही हूँ, और खुले आम जब तक जिंदा हूँ तब तक घूमूंगी. अब बात यहाँ पर आती है कि ऐसी कौन सी वजह है जो डच से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, डेनमार्क से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, सऊदी अरब से पाकिस्तानी और भारत के मुसलमानों को निकाला जा रहा है, ईरान जहां पर इतना हाई वेला मचता था, जहां पर मुसलमान लड़की अगर सर पर दुपट्टा ना रखे तो उसका कत्ले आम कर दिया जाता था, आज ईरान मॉडर्न हो रहा है. आखिर क्या बात है कि ब्रिटेन से मुसलमानों को निकाला जा रहा है? आखिर क्या बात है कि लंदन से मुसलमानों को निकाला जा रहा है? आखिर क्या बात है कि फ्रांस से मुसलमानों को निकाला जा रहा है? आखिर क्या बात है कि बांग्लादेश में मुसलमानों ने जो हरकत करके दिखाई है उससे पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि मुसलमान जिहाद के नाम पर किसी भी कुरनीति को कर सकता है और कोई भी अश्लील हरकत कर सकता है. अब भाई बांग्लादेश के मुसलमान छात्रों ने शेख हसीना का ब्रा और इनर गारमेंट हवा में उड़ाया था. अब ये तो उन्होंने किया था भाई, और क्यों किया था ये तो सऊदी अरब को पूछना चाहिए ना, ये तो सऊदी अरब को पूछना चाहिए, क्योंकि भारत के इस्लामिक प्रेचर और बांग्लादेश के इस्लामिक प्रेचर तो उनसे पूछ नहीं रहे, उन मुसलमानों से, कि भैया आपका जो भी लड़ाई झगड़ा था शेख हसीना के साथ, उसमें उसके ब्रा को, उसके इनर गारमेंट को हवा में उछालने का मतलब नहीं समझ में आया, हिंदू बहन बेटियों का रेप करने का मतलब समझ में नहीं आया. आपको याद होगा अनम, मैंने आपके साथ ही, आपने मुझे वो टॉपिक दिया था और मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि लंदन में और अमेरिका में कुछ पिता हैं जो एक बड़ा बड़ा बोर्ड लेकर के खड़े हुए हैं कि माय डॉटर इज नॉट हलाल मीट. याद आया आपको, माय डॉटर्स आर नॉट हलाल मीट. क्यों बोलना पड़ रहा है? क्रिश्चियंस मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, यहूदी मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, जैन मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, सिख मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं. चलो छोड़ो, ये पूरी दुनिया का सारा देश मुसलमानों को गालियां दे रहा है, वो भी छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए. सऊदी अरबिया पाकिस्तान के मुसलमानों को धक्के मार कर निकाल रहा है. अब तो भारत के मुसलमानों पर भी आपत्ति मुझे लग रहा है कि आ रही है, क्योंकि सऊदी अरबिया कहीं ना कहीं इस बात को टटोल रहा है कि भारत के मुसलमान भी अरब में जाकर के, मक्का मदीना में जाकर के बेजा और अश्लील हरकतें करने लगे हैं. भारत के मुसलमानों की मानसिकता आज भी
आज भी पाकिस्तान जैसी ही है। आज भी भारत के मुसलमान संविधानिक नहीं हो पाए हैं। आज भी भारत के मुसलमान भारत की सभ्यता और संस्कार और संस्कृति को सीखना नहीं चाहते हैं। आज भी भारत के मुसलमान वही हुड़दंग मचाते हैं और वही राग अलापते हैं जो पाकिस्तान की गलियों में राग अलापा जाता है। आपके यहाँ सवान में अभी ज्यादा नहीं, शायद 25 या 28 दिन पहले 38 साल के मुसलमान नौजवान को भीड़ ने उसको जला दिया, मार दिया, काट दिया, नंगा कर दिया। लड़का मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान। झगड़ा क्या था? दो पड़ोसियों का झगड़ा था और एक वजह बनाया पड़ोसी ने उससे बदला निकालने के लिए ब्लास्फेमी का। वाओ, ग्रेट ग्रेट। चलिए, ये फंडा और ये हथकंडा पाकिस्तान इस्लामिक देश में तो चल गया, लेकिन क्या ये हथकंडा मुसलमान ब्रिटेन में चलाना चाहेंगे तो चलेगा? क्या ये हथकंडा मुसलमान भारत में चलाना चाहेंगे तो चलेगा? क्या ये हथकंडा मुसलमान लंदन में चलाना चाहेंगे तो चलेगा? क्या ये हथकंडा मुसलमान अमेरिका में चलाना चाहेंगे तो चलेगा? और मैं पूरी जिम्मेदारी से अनम आपको कह रही हूँ कि ये ब्लास्फेमी का झूठा इल्जाम लगाने वाले मुसलमान, क्या ये झूठा इल्जाम सऊदी अरब में चलाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज 70 साल का जो बूढ़ा आदमी 7 साल की बच्ची के साथ लंगा पकड़ाया है, अगर ये सऊदी अरब होता, भारत ना होता, तो अभी तो उसके औजार कट चुके होते, अभी वो जेल की हिरासत में नहीं होता, अभी वो जेल का घर जमाई बन करके, दामाद बन करके खाना नहीं खा रहा होता, वो उसके औजार कट चुके होते और भीड़ लगा करके, पत्थर मार मार करके, इस्लामिक सजा दे करके उसको, उसका जनाजा निकल रहा होता। मुसलमान अपनी वजह से खुद बदनाम हो रहे हैं, उन्हें कोई बदनाम नहीं कर रहा है। हमने, मैंने या अनम, आपने या किसी ने बांग्लादेश के मुसलमान लौंडों को नहीं कहा था कि तुम शेख हसीना के इनर गारमेंट को उड़ाओ और हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करो और उसका वीडियो बनाओ? ये हम में से किसी ने नहीं कहा था, ये उन्होंने खुद किया है। उसके बाद सऊदी अरबिया में मक्का मुअज्जमा के अंदर जिन लोगों ने दुष्कर्म किया है, जिन लोगों ने मुसलमान बेटियों का बलात्कार किया है मक्का के अंदर, ये उन्होंने खुद किया है, ये उनकी मानसिकता है। और मुसलमान ये चाहते हैं कि उनकी ये सब बदतमीजियों पर और बेहूदगी पर हम डिस्कस भी ना करें। हम डिस्कस कर लिए तो हम ब्लास्फेमी कर रहे हैं और वो बलात्कार कर रहे हैं तो वो पाप नहीं है। वाओ, ग्रेट ग्रेट। हमारे अल कुरान के हिसाब से मजार परस्ती गुनाह है, पाप है। ऐसा गुनाह है कि अबू मर्तहत ने खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला के कहने पर आकर के कहा कि अल्लाह का मैं भेजा हुआ फरिश्ता हूँ अबू मर्तहत, और अल्लाह का पैगाम है प्यारे नबी के लिए कि इस धरती पर, इस जमीन पर जो कोई भी पक्के कब्रिस्तान और पक्के मजार बना करके वहां पर माथा टेकने की या उस पर बुत परस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसको तोड़ा जाए। तो आज भारत में लाखों मजार जो हैं, उसको तो मुसलमानों को खुद तोड़ना चाहिए, अगर वो रसूल की उम्मत से आते हैं तो, अगर वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से आते हैं तो मुसलमान ये मजारे क्यों नहीं तोड़ रहे हैं खुद से हथौड़ा लेकर के? आप प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को खुद डिसोबे कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ये भारत है, ये भारत है, और ये जो ब्लास्फेमी का झूठा खेल खेलने वाले जो मुसलमान हैं, ये पाकिस्तानी दिमाग के मुसलमान हैं, और इनका खात्मा और इनको खत्म करना अब धीरे धीरे इटली ने कर दिया, डच ने कर दिया, ब्रिटेन ने कर दिया, लंदन ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, सऊदी अरबिया ने कर दिया है, खतर ने भी कर दिया है और कई मुस्लिम मुल्कों ने भी कर दिया है। यहाँ तक कि अनम डेनमार्क में तो ऐलानिया सरकार ने ये कहा है कि जो भी मुसलमान माइग्रेंट यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना आईडी बना लिया है वो बराए मेहरबानी वोट ना करें, क्योंकि वोट का अधिकार हम ऐसे मुसलमानों को नहीं दे सकते। ये डेनमार्क ने खुद कहा है। इटली में मिलोनी ने साफ कह दिया है कि भैया
अपना लोटा कंबल समेटिए और यहां से निकलिए, आपके लिए यहाँ पर हम जगह नहीं छोड़ेंगे। डच में साफ कह दिया गया है, भैया अपना लोटा कंबल उठाइए और निकलिए यहां से। अब मैं आपको इनका बिहेवियर बताती हूँ। इनका बिहेवियर होता है कि ये पहले घुसते हैं अलग अलग देशों में, ये एंटर करते हैं, वहां पर बड़े मासूम बन करके, बड़े मुलजिम बन करके ये वहां पर नौकरी ढूंढते हैं। जब वो नौकरी ढूंढ लेते हैं तो जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर बोलते हैं कि हम तो नमाज पढ़ेंगे। अब क्योंकि सारे धर्म के लोग यही सोचते हैं कि किसी के मजहब या किसी के धर्म को हम आपत्ति क्यों करेंगे, चलो ठीक है भैया नमाज पढ़ लो। अब वो नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर वो वजू की जगह ढूंढते हैं, फिर वो वजू कर लेते हैं तो फिर वो कायउला की जगह ढूंढते हैं, चलो वो भी मिल जाती है, फिर वो कायउला की जगह ढूंढ लेते हैं तो फिर वो तहज्जुद की जगह ढूंढते हैं, वो भी मिल जाती है, उसके बाद फिर वो अलतकैया की बातें करना स्टार्ट करते हैं, चलो उसमें भी सारे देश खामोश हो जाते हैं कि भाई अपने मजहब की तारीफ कर रहा है, सुन लो क्या जाता है, सुन लो क्या जाता है। उसके बाद फिर वो दाई करता है, दावत इस्लाम की बात करता है, तब लोगों को समझ में आता है कि भाई यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पर पूरी दाल काली है। अब क्योंकि वो दूसरे देश में गया है तो वहां पर आस पड़ोस से वो अपने मेल जोल को बढ़ाता है मुसलमान। अब जब मेल जोल को बढ़ाता है तो वो कहता है, अरे आपकी बेटी बुरखा नहीं पहनती है, उसको बुरखा पहनाइए ना, अरे एक बार नमाज पढ़ के तो देखिए कैसा लगता है। ये जब तक ये मुसलमान जो जिहादी मेंटालिटी के लोग हैं, ये जब तक अपना काम करते हैं तब तक ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर उलट में अगर इनको कोई कह दे कि भैया थोड़ा यहूदी बन जाओ, ये भैया थोड़ा हिंदू बन जाओ, जो लोग कहते नहीं है, तो ये तुरंत कहेंगे कि अरे ये तो ब्लास्फेमी कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने न सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि जिहाद और इस्लाम के नाम पे डराने और धमकाने वालों को भी आड़े हाथों लिया और जमकर उनकी क्लास लगाई। और एक बात और, सोशल मीडिया पे नाजिया खान जी को लेके बॉयकॉट की मुहिम चल रही है, पर हमें नाजिया खान जी को सपोर्ट करना है इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।